ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस। होपलेस माना आप उम्मीद नहीं है, सभी मर जाएंगे। मतलब होपलेस केस है और सारे के सारे क्या होंगे, मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व खत्म। क्योंकि जब पता लग जाता है कि अब ये मरना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो ऑटोमेटिक ममत्व खत्म हो जाता है। जब ये तय हो जाता है कि हमारा नया मकान बन गया है, तो पुराने मकान से ममत्व खत्म हो जाता है, फिर उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता। रहता है खत्म हो जाता है, जरा भी मोह नहीं रहता। अब इसको व्हाइट वॉश कोई नहीं कराएगा, अब इसकी रिपेयर कोई नहीं कराएगा। टूटता है तो टूट जाओ, क्योंकि अब तो छोड़ दिया, बेच दिया है, खत्म हो गया है, टूटना है, फिर उससे ऑटोमेटिक हमारा मोह खत्म होता जाता है, बढ़ नहीं सकता है, यानी किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता। तो वास्तव में ममत्व जो है ना, हमें खत्म करना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि अब इस संसार के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या होना है, नष्ट होना है। सारे जानते हैं इस बात को, ये कोई नई बात नहीं है, सारा संसार इस बात को जानता है। और ममत्व रखा हुआ इसलिए है कि वो अपने आप को समझता है कि ये तो सारे मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मैं थोड़ा मरूंगा, मतलब ये तय है कि मैं भी अगले पल नहीं रहूंगा, परंतु दूसरे मरेंगे, मेरा क्या होना, मेरा तो कुछ भी नहीं होना, मेरा होगा तो देखा जाएगा। तो जब तक, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, किसने देखा मरने के बाद क्या होता है, जो करना है अभी कर लो, खा लो, पी लो, मौज कर लो, है नहीं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा समझकर ये सारी चीजों से ममत्व मिटा दो, क्योंकि तुम आत्मा ने ना अंगे अशरीरी वापस मेरे साथ परम धाम चलना। जब चलना मेरे साथ है तो क्या करो, आज की मुरली का सार है ये, क्या करो, ये मंत्र है आज की मुरली का, माम एकम याद, केवल मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो, सिर्फ और सिर्फ मुझ एक बाप की श्रीमत पर। ये आज की मुरली का सार। प्रश्न, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है भाई, उछल क्यों नहीं आ रही, सेवा करने का दिल क्यों नहीं कर रहा, प्रश्न है बाबा। अब हम क्या करें, हम तो जवाब देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, अगर लक्षण ठीक नहीं है, अपने ही लक्षण ठीक नहीं है, दूसरे को कहे कि तुम ऐसा मत करो, कि पहले तू अपने आप को ठीक कर, पहले अपने आप को ठीक कर, बाप को याद नहीं करते, खुद बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। वो दूसरे को कैसे कहेंगे तुम श्रीमत पर चलो, खुद श्रीमत पर चलते नहीं, दूसरे को कहेंगे श्रीमत पर चलो, कैसे चलें वो आपकी बात को, कैसे सुने, क्यों सुने। तो उनके अंदर, खुद के अंदर भी नहीं आएगा कि मैं उनको कहूं कि क्रोध मत करो, दुख मत दो, सबको सुख दो, पहले तू अपने आप को बता। सीधी सी बात, कोई ना कोई उल्टा कर्म
होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला पहला डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन, पहला पहला डायरेक्शन, अपने आप को आत्मा समझना माना मरना, अपने आप को शरीर समझते आ रहे हैं, मरेंगे तब तो आत्मा समझेंगे ना। अब पहला पहला डायरेक्शन है कि आप मुए मर गई दुनिया, आप आत्मा हो, ये भी सब आत्माएं हैं, ना तुम्हारा शरीर है ना उनका शरीर, ये सारे शरीर क्या हैं, सारे शरीर क्या हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा का ड्रेस मटेरियल, इस वर्ल्ड ड्रामा का ड्रेस मटेरियल है। आप एक्टर हो, आप क्या हो, एक्टर हो, तो ये सारा का सारा जो ड्रेस मटेरियल है, इस ड्रेस मटेरियल से क्या प्रयास करना, आज डायरेक्टर कहेगा ये ड्रेस पहनो, कल कहेगा वो ड्रेस पहनो, परसों कहेगा वो ड्रेस पहनो, आप किस किस ड्रेस से मोह करेंगे, किस ड्रेस को मेरी ड्रेस कहोगे। बाबा बड़ा खराब है, जबरदस्ती हमारे को इस ड्रेस से मोह खत्म करवा के ही माने, ऐसे मानने वाला नहीं है। तो राजी खुशी माने, चाहे बाबा को कितना भी तंग करके माने, मानना तो पड़ेगा कि सारी की सारी दुनिया में ये जो कुछ भी है, ये सब वर्ल्ड ड्रामा में प्रयोग होने वाला समान है। मैं तो एक्टर हूं और मुझे एक्ट अपने रोल के मुताबिक करनी है, जो रोल मुझे मिला है, वहां डायरेक्टर का रोल नहीं है, डायरेक्टर ने कहा ऐसा करना नहीं, मतलब बहुत क्लियर ये लाइन भी अपने अंदर लानी है कि डायरेक्टर ने मुझे ये रोल प्ले करने के लिए नहीं कहा, डायरेक्टर इसलिए नहीं है, डायरेक्टर केवल प्रबंधक है, वो भी प्रबंधक उसने ऑटोमेटिक मोड में डाला हुआ है, वो सबको ड्यूटीज बांटी हुई है, सब अपने अपने अनुसार हर चीज वहां पहुंच रही है। पर संसार के अंदर जो कुछ भी है, डायरेक्टर परमात्मा है, परंतु वो किसी भी आत्मा को ये डायरेक्शन नहीं देता कि आप ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट अविनाशी रोल भरा हुआ है, वो उसी को करते रहे। तो अब हमने बाबा जो हमें मत दे रहे हैं, आज जो डायरेक्शन हमें दे रहे हैं, वो सारे आत्माओं को दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, आप मुए मर गई दुनिया, इस डायरेक्शन को अपने जीवन में ले, कि मैं आत्मा हूं, ये भी सब आत्मा, क्योंकि मरने के बाद तो आत्मा रहती है, आत्मा ही परमधाम से आएगी, आत्मा ही परमधाम जाएगी, ये सब आत्माएं हैं, ये सब ड्रेस नहीं है, मेरे लिए ये सब ड्रेस हैं, इनका मेरा कोई महत्व नहीं। बुद्धि देह और देह के संबंधों से में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकती, कहां फंसी है, देह में फंसी है, देह के संबंधों में, इस देह के लिए चिंतन चल रहा है, देह के संबंधियों के लिए चिंतन चल रहा है, तो सेवा हो गई, सेवा फिर नहीं हो सकती। गीत चला ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार हैं वे वर्ष वर्ष मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं, शिव के पुजारी बहुत हैं, रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान कहते भी हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं, तुम बच्चे जानते हो ये संगम युग है, ये क्यों किस लिए है ये संगम युग,
पुरुष उत्तम बनने का युग। ये संगम युग है पुरुष उत्तम उत्तम आत्मा बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया कुछ कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। किसने सिखाया था, कब सिखाया था, विश्व के मालिक कैसे बन गई, ये किसी को भी पता। शिवाय नमः भी कहते हैं तो मात पिता रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वे कब आकर मात पिता बनकर वर्षा दे। कैसे वो हमारे माता पिता ये भी नहीं जानते। वो जाके राम को कहेंगे, कृष्ण को कहेंगे, हनुमान को कहेंगे, कोई पूछे कि वो तुम्हारा बाप है तो कैसे है, उनके बच्चों की लिस्ट में तुम्हारा नाम कहाँ है, कुछ पता है। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है, लिखते हैं, लिखते भी रहते हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है, कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए, हम बाप के बने हैं ये कभी भूलना। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार नहीं रहना। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, बल लिखते हैं हमको निश्चय है बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे हो जाते। 6 मास 8 मास 2 3 साल 10 साल 15 साल 20 साल 55 साल चलने के बाद भी क्या हो जाते हैं, क्यों ठंडे हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बुद्धि से स्वीकार नहीं किया कि परमात्मा आकर पड़ा रहा, पीछे वाला दरवाजा बंद कर। तो क्योंकि उसमें, क्योंकि यदि उसने अपने अंदर ये भरा हुआ होता कि परमात्मा पड़ा रहा है तो नेचुरल श्री मत पर चल। कि जितना चलेगा उतना बाबा समझ जाते हैं। आगे तो मैं समझ जाता कि इस आत्मा का रोल इतना ही, और वैसे पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा समझ जाते हैं कि ये आत्मा पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सोचो निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेने चाहते हैं तो बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसे बातचीत हो रही है, तो गरीब के पास तो जाएगा नहीं, गोद लेने वाला अमीर होना चाहिए, राजा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
कि राजा चाहता है कि इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं क्या बनूंगा, राजा का बच्चा बनता हूं, वह गरीब का बच्चा सौकार गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वो तो है फिर भी एक जन्म की बात, और यहां बच्चों को खुशी रहती है। क्या खुशी रहती है आपको, आपको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, आपने स्वीकार किया कि हम भी शिव बाबा को एडॉप्ट करते हैं, क्यों, क्या खुशी रहती है, क्या फायदा होगा। 21 जन्मों का वर्षा मिल सकता है, मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मतलब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मिल सकता है, मिलेगा तब जब मैं उनकी श्री मत पर जितना चलूंगा तराजू में तोल कर उतना। वैसे तराजू पकड़ता नहीं है, ऑटोमेटिक ड्रामा में निश्चित है कि जितनी आत्माओं को सुख दिया उतनी आत्माएं सुख के लिए मिलेंगी, बाकी मिलेंगी नहीं। बेहद के बाप को याद करना है, फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप, ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकता। कैसे नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, बेहद का बाप शब्द यूज नहीं कर सकता। बेहद का बाप सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा यूज कर सकता है, कोई भी देहधारी बेहद का बाप नहीं हो सकता। और परम शांति वाला बाबा कहता है मैं हूं बेहद का बाप, कोई भी देहधारी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या सोच करके मुझे उसकी शक्ल याद आती है, क्या सोच करके उसने अपने आप को बुद्ध बनाना शुरू कर दिया। अपने आप को बुद्ध बनाया या दुनिया को बुद्ध बनाया, क्या ड्रामा। खुद को तो बना रहा है, दुनिया का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। कितनी उम्र देखो बाबा के, कोई कह, कोई देहधारी कह नहीं सकता कि मैं भी हद का बाप। वो कहता मैं बेहद का बाबा, सुनता नहीं हमारी बात नहीं सुनता, कहता तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं पता। क्या समस्या तो ये है ना कि उसके पास जवाब एडवांस है, हम उसे कहें तो तब ना जब उसे पता ना हो, वो कहेगा मेरे को पता है, तुम अपना काम कर, तू अपने आप को ठीक कर, मेरे को सुधारने की कोशिश मत कर। मेरे को ही बच्चे समझाते हैं, मेरी बिल्ली मेरे को ही कहती है, बाप ही समझानी देते हैं। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था। कौन सा अक्षर कहा था 5000 साल पहले बाबा ने, माम एकम याद करो, मुझ एक बाप की श्री मत। इसी समय बाबा ने आज की मुरली का सार, आज मुरली का मंत्र सारा निचोड़ यही है कि सिर्फ मेरा ही कहना मानो, मेरी ही श्री मत पर चलो और किसी की बात सुननी ही नहीं। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, क्योंकि मैं ही एक पतित पावन हूं। मेरी श्री मत पर चलोगे तो तुम पतित से पावन बनोगे, और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है पतित से पावन बनने का, और कोई भी उपाय नहीं पतित से पावन बनने का। पतित से पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते,
कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है, कृष्ण तो पुनर्जन्म में आने वाला है। पहली पहली बात ये लिखवा कि गीता ज्ञान दाता कौन, जो जन्म मरण में आने वाला या जन्म मरण रहित पुनर्जन्म रहित कौन, अभोक्ता या भोक्ता, अशरीरी या शरीरधर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखो। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई बड़ा आदमी आया है उसने लिखा कि बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो कि गीता ज्ञान दाता शिव ही है, कृष्ण नहीं हो सकता, तो जो छोटे लोग आएंगे अच्छा उसने माना है, फिर तो कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया, तब लिखा। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बात बनाती है, बड़ी बात बनाती है कि भगवान आया हुआ है, भगवान को और कोई नहीं मिला था। यही प्रश्न मैंने शुरू शुरू में किया था कि भगवान को और कोई नहीं मिला था, ये ब्रह्मा कुमारियां मिली थी भगवान को पढ़ाने के लिए, इतने सारे गुरु, इतने सारे धर्म, इतने सारे मत, इतने सारे पंथ, सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारियां मिली थी भगवान को पढ़ाने। क्या जवाब दे, कोई जवाब है ही नहीं, आज मेरे से भी कहे तो कोई जवाब है ही नहीं, है नहीं। मतलब उसके बाद बात ये थी, ये तो बात कैसे बहस करने के बाद कब पकड़ा जाना है, कब टाइम आना है, वो अलग बात हुई। मतलब ये क्वेश्चन मेरा सीधा उस टीचर से था, ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, ऐसे नहीं कहना है। और मुझे तो यही कह दिया था कलकत्ता में, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है वही भगवान आके पढ़ा रहा है। कहते हैं ना कि भगवान अकल बांट रहा है, तो भगवान आकर अकल बांट रहा है, मेरे लिए तो एक मजाक का विषय मिल गया था। कैसे कैसे पकड़ना है, बाबा ने वंडरफुल युक्तियां हैं, मैंने आके उससे पूछना शुरू कर दिया। इसे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे जैसे मैं हंसी करता था। ये तो समझाना है कि दो बाप है, उनको पहले प्यार से समझाओ, पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है, बाप का नाम है शिव, वे सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे, जरूर बच्चों को क्या देते होंगे, वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक का विनाश होना उसकी भी निशानी है। ये महाभारत लड़ाई है, बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझेंगे नहीं, ये कहने से कोई समझेंगे नहीं। ढिंडोरा पीटते रहते हैं ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से, और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। मुझे याद आता है कि वो भाई चढ़ाया बस में, पहले पहले उससे भी पहले मैं ड्यूटी पर जा रहा था, जैसे पैन बेचने वाले बजाते ना बस को ऊपर से ऐसे बजाकर, सुनो सुनो भाइयों श्री कृष्ण आ गया है, भगवान का अवतार हो चुका है, अब
सारे हंस रहे हो, हम भी हंस रहे। मतलब कहने वाला हमें पता ही नहीं ना भाई, पागल आ गया मिश्रा भगवान, आ गया कहाँ आ गया भगवान, मतलब ये बस में आते उसने ऐसे ही बजा के, उसने वो भी वही उसी सेंटर पर ही रहता था, बाद में मिला वो। ठीक, मतलब कहने का यह है कि नशा होता है, तो उसको नशा चढ़ा हुआ था, वो सीधा बस पे चढ़ता ही पालम एयरपोर्ट से चला, पालम वहां तक जाना था गांव तक, तो स्कूल तक। इतनी देर में उसने अपना भाषण बस पे चढ़ते ही दे दिया, क्योंकि बाबा कहता है जहां मौका मिले बोलो। और ऐसे ही फिर एक बार स्टेशन पर खड़ा था, ढोलक बजा, ढोलक बाबा कहते ना ढोलक लगा के मनादी करो, वो भी ढोलक पहन कर मनादी करो, तब मैं ब्रह्म कुमार बन गया था। तो वो कह रहा है ना, देख आपका ब्रह्म कुमार क्या बोल रहा है, ठीक है वो कर सकता है, कर रहा है, उसका पार्ट है। हाँ, ढोलक बांध कर स्टेशन पर खड़े होकर मनादी कर रहा था, क्या बन रहा। हाँ, हम तो घर बैठे हैं, भगवान पढ़ाते हैं फिर जाकर शादी करते हैं। कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं फिर जाकर वो कर लेते हैं शादी, तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ भाई, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना तो उसे था सो कह दिया, अनेक प्रकार के विघ्न भी पढ़ते हैं अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप पे ही अपने को चमाट मारी है ना, अपने आप को चमाट कैसे मारी हिंदुओं ने, क्यों लिया टाइटल, क्यों लिया टाइटल, भूल गए हिंदू शब्द का अर्थ नहीं जानते, इन्हें बाद में लीपा पोती करके बुद्धू बनाया गया, कि सै को फारसी में अरबी में ना है बोलते हैं, इसलिए सिंधु के किनारे रहने वालों को हिंदू कहा। मतलब जान लिया था कुछ लोगों ने, परंतु उन्होंने क्या किया, बात को बदल दिया, हिंदू माना जो भगवान को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, क्लियर उन्होंने कहा था, काफिर हो हिंदू हो। मुगलों ने आकर क्लियर वर्ड्स में कहा, परंतु अर्थ समझ में ना आने के कारण उन्होंने कह दिया गर्व से कहो हम हिंदू। तो अपने आप को चमाट मारी ना, महात्मा गांधी जाते जाते और बेड़ा गर्क कर गया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये तीन शब्द महात्मा गांधी ने चिपका दिए जाते जाते। वास्तव में देवी देवता धर्म के थे, परंतु कह देते हम हिंदू, सनातन धर्म ही भूल, अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था, आश्री मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। हम ही अपने धर्म की गलानी शुरू करते हैं आश्री माया की मत से, इसलिए बाबा ने खुद कहा है वे है आश्री संप्रदाय, वे है आश्री संप्रदाय, ये है देवी संप्रदाय, जिनको मैं राज योग सिखलाता हूं। अभी है कल युग, जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वो असुर से बदल देवता बनते हैं। ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए, पांच विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं, बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी। ये भी भूल है, भूल कर दी है। फिर लिखते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, उसमें नाम कृष्ण का दे दिया है, वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध, तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही, बिल्कुल समझते ही बाप को याद न
नहीं कर सकते, समझते भी हैं। हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता, उल्टा काम करता रहता। समझते भी हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं, बाकियों की बात छोड़ो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी याद नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं, रुक जाते, चलते चलते ठहर। इतना तो सुधर गए हैं, इतना तो सुधार हो गया है, आखिर तक सुधर जाएंगे? सारा अभी सुधरना है क्या? अहंकार आ जाता ना खरगोश की तरह, वो सो जाते, कछुए की तरह, कछुए और खरगोश होते ना, खरगोश वाला मैं बहुत दूर निकल आया हूं। याद बिल्कुल नहीं करते, सो जाते, लक्षण सुधारते ही नहीं है। फिर क्या होता है? सर्विस में उछल नहीं आता, फिर सर्विस में उछल। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो। कैसे मार दे, कैसे मारना है? अथवा भूलो, अथवा कैसे भूल जाएंगे? क्या करना होगा? ये सब आत्माई एक्टर, सब आत्मा ही एक्टर है। सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई। ये रोल है कि कोई बहुत नजदीक है, कोई बहुत दूर है, कोई संबंध में है, कोई संबंध में नहीं है, हैं सब एक्टर। क्योंकि ये भूलना मानना सबको एक समान देख, भूलने का मतलब ही है, देह के संबंध भूलने का मतलब है कि सारे संसार की आत्माएं एक्टर। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं। कहते हैं आप मरे, मर गई दुनिया, ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि बुद्धि से भूल जाना है, देह का संबंध अब परमानेंट संबंध, ये सब आत्माएं मेरे भाई, सब आत्माएं मेरे भाई। ये ड्रेस पहनी हुई, हर एक ने अपने अपने तरीके की ड्रेस, अपने अपने रोल के मुताबिक ड्रेस जो उसको मिली है वो पहनी हुई है। अब देखना हमने एक्टर, हमने देखना किसको है? एक्टर। हमने किस किस व्यवहार में आना है? एक्टर के व्यवहार में आना है। जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सबको भूलो और एक बाप को बस, और किसी का कहना मत मानो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है, फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे ममत्व। वे तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहां तो एक की बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता। बस कौन सा है आज का मंत्र? हां जी, माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो, मेरी श्री मत पर चलो, और किसकी बात सुननी ही नहीं है। कितनी समझानी देते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर समझानी देते रहते हैं,
समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए। तो जैसा त्योहार हो, जो चल रहा हो, उसी हिसाब से समझाओ। धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना, बिगर पूछे कोई चीज उठाना, खाना ये भी बहुत गुप्त पाप, बहुत गुप्त पाप। बहुत अच्छी तरह ये बात अपने आप को समझा दी। कायदे बड़े कड़े हैं, क्यों ऐसा कहा बाबा? क्योंकि एक यदि बिना पूछे उठाएगा, सारे बिना पूछे उठाने वाले। उसने एक नई प्रथा को जन्म दे दिया, जिस कार्य के लिए वो चीज बनाई गई। अपना घर है हमारा, हम घर में कुछ भी खा सकते हैं, परंतु बिना पूछे नहीं उठा सकते। पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते। या तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह, हमें किससे स्नेह है? पुण्य आत्मा से स्नेह। पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना, ये जानते हैं सारे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इसलिए वो क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देते। पाप कहते हैं मैं सिर्फ यही धंधा थोड़े बैठकर करता हूं कि कौन अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको अच्छा फल दूं, कौन गंदे कर्म कर रहा है उनको गंदा फल दूं। दिमाग ही खराब हो जाए, दिमाग ही। तो बाबा क्या करता है फिर? युक्ति बताता है पतित से पावन बनने की। तो पावन से पतित बनने की युक्ति कौन बताता है? रावण। विस्मृति, हाँ रावण माया कुछ नहीं है, परंतु विस्मृति गुणों का अभाव माया। जैसे जैसे विस्मृति होती गई, गुण काम होते गए, तो मैं सिर्फ ये धंधा थोड़े क्या बट करता, ये तो सारी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है, ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। कृपांक होते हैं, सुना है? कृपांक क्या होते हैं? कृपा अंक, कृपांक। आपने स्कूल की मार्कशीट हिंदी में नहीं देखी, ग्रेस मार्क्स को हिंदी में कृपांक लिखा जाता है, पता हो ना? हम टीचर है, हमें तो पता होना चाहिए ना। मतलब कृपांक, मतलब ग्रेस मार्क्स देते हैं ना, भी पांच नंबर फेल हो रहा है, चलो पांच दस नंबर इसको दो, इसको पास करें, उसको कृपांक बोलते हैं। मतलब हमारे ऊपर कृपा करके ये अंक दिए गए। और ये स्कूल ऐसा है जहां कृपांक होते ही नहीं, नहीं मिलते। बाकी बाबा कहते कृपा आदि की कोई बात नहीं है, बात ही नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपकी कृपा होगी तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। एक ने ग्रुप बना रखा था, पिछले मैंने डिलीट किया अभी,
तो वो ग्रुप बना रखा था, शिव बाबा आपको हम कभी ना भूलें इतनी कृपा, टाइटल ही उसका जैसे आपने मेरा बाबा माई फैमिली लिखा है ना, ऐसे उन्होंने उसका टाइटल ही ये लिखा हुआ था, शिव बाबा आपकी कृपा से हम आपको कभी ना भूले, ऐसा ही कुछ टाइटल उन्होंने बनाया। अब सोचो कि क्या उनको समझ में आया, क्या उन्होंने लिख दिया, बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, बाबा कृपा करेगा नहीं और हमें याद भूल जाएंगे हम तो, बाप कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते हैं, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुम अपने पर कृपा आपे करो, बाप को याद करेंगे तो विकार विनाश होंगे, भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा करे थोड़ा ही करेंगे, टीचर किसी पर कृपा थोड़े ही करेंगे, हर एक को पढ़ना है, बाप श्री मत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं कर सकते, ये कृपा अंक देने की पावर किसको होती है, बोर्ड में होती है या प्रिंसिपल को होती है, टीचर को नहीं होती, टीचर कभी कृपा अंक नहीं दे सकता, बाबा ने शब्द यूज किया है, कोई टीचर कृपांक नहीं दे सकता, प्रिंसिपल कहता है अच्छा, हाँ प्रिंसिपल ऑर्डर करता है कि अच्छा सारे स्कूल का रिजल्ट खराब आ रहा है तो चलो सबको 5-5 नंबर एक और दे दो, फिर भी रिजल्ट खराब आ रहा है अच्छा 10-10 नंबर और दे दो, हमने यहाँ तक देखा 20-20 नंबर प्रिंसिपल ने दिए हैं बच्चों को रिजल्ट अपने स्कूल का रिजल्ट बनाने के, बाद में ये 8वीं तक कोई फेल ही नहीं होगा, ये कानून बन गया था, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि वो भी टाइम था कि प्रिंसिपल को अपने स्कूल का रिजल्ट बचाने के लिए, हालांकि ये प्रिंसिपल को पावर दी जाती है कि किसी कारण से मतलब स्टाफ बच्चों को पूरा सिलेबस नहीं कवर करा सका तो बच्चे का साल खराब ना हो तो उसको कृपांक दे करके, जैसे अब क्या है कोरोना के कारण बच्चे पूरा नहीं पढ़ पाए हैं तो इसलिए सबको क्या कर दो पास कर दो, मतलब ये अधिकार प्रिंसिपल को या बोर्ड को इसी बात पर मिलता है कि उनका भविष्य खराब ना हो, उनका जीवन का एक साल खराब ना हो, यहाँ तो कोई मतलब करो जरा भी पाप ना हो, कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, बाप भी कहते हैं वो ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे, वो ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे, गाया हुआ है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस गिरे तो चकना, बच्चे जानते बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते, अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, अशुद्ध अहंकार क्या होता है, जो मैं हूं नहीं उसको मैं समझना, भाई मैं आत्मा हूं जो मैं हूं नहीं उसका ही अहंकार कर रहा हूं, मैं देह हूं, फिर काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, कोई भी कम नहीं है, वो भी सत्यानाश कर देता है, बच्चे आदि में मोह होगा तो वो याद आता रहेगा, आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना, इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ शिव बाबा का ही कहना मानना है, मेरे लिए और कोई है ही नहीं जिसका मैं कहना मानू, ऐसा पुरुषार्थ करना, ये सब तो खत्म होना है, ये सब तो खत्म होना है, विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इनमें क्या मोह रखना, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, ये तो सब खत्म होना ही है,
तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएंगे। आग कहां लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम सब खलास हो जाता है। आधा घंटा में 100-150 झोपड़ियों खत्म कर दी। तुम जानते हो इस बमबोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सारे मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। लक्षण अच्छे हैं तो सर्विस भी क्या करते हैं, अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो। फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, बनारस में शिव के मंदिर में भी बहुत जाते हैं, क्योंकि वो है ऊंच से ऊंच भगवान, वहां शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझो। ये शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा देते संगम पर, कब देते हैं, संगम पर ही ये वर्षा उनसे मिला हुआ है। ये समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। ये समझाओगे तो फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती ही मेहनत करते हैं। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं इन्हों को ये राज्य कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं, कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही। अभी तुमको कितनी नॉलेज है, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा वे ब्रह्मा कुमारियां, ये ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती हैं, वो खुद क्या होगा। ये ब्रह्मा कुमारियां जो बातें समझा रही हैं, इतनी कमाल की बातें समझा रही हैं, इनको जो समझाता है वो क्या होगा। जिनकी दुनिया ऐसी है, रचना ऐसी है, वो रचनाकार कैसा, ये प्रश्न उनके दिमाग में आएगा जिनको बुद्धि में समझ में आएगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं, निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब तक मैं बाबा से नहीं मिला तब तक मुझे कोई निश्चय नहीं हुआ। हर एक आत्मा का पाठ अलग है, कोई तो समझने के बाद, हम बाबा से मिलने के बाद ही समझे। बस बाबा हम तो आपका बन, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो आपका दर नहीं छोड़े। ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा, फिर भी बिठा तो नहीं सकते। अब कैसे कहते, फिर भी बिठा तो नहीं सकते ना, सर्विस पर भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते हैं। यहां आते हैं ना बाबा के पास, लिख करके देते हैं, बाबा बस अब हम जरा भी पीछे नहीं आते, खून से भी लिख कर देते। फिर बाहर जाते हैं, माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है,
माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, छोटे से दीवे को भी माया के तूफान कितने आते हैं। है ना, ये लड़ाई है। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। उनका पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया, परंतु आपका पुरुषोत्तम युग चल रहा है। बाप कहते इस संगम युग पर ही मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई नुगयुक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त हो, देर हो भले कोई बात नहीं, काम क्या हो दुरुस्त हो। तैयार माल मिलता है, देर से आए हैं जो उनको सारा माल तैयार मिलता है, जिससे फट से कोई समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इस समय कोई ये नहीं कह सकते कि हम पावन। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है, पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जरा भी कोई बड़ा या सूक्ष्म पाप ना हो, बड़ा या सूक्ष्म कोई पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है, दूसरी धारणा, कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। नंबर दो है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग दे। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना है, यही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। मेरे को ये संकल्प आ रहा है, मेरे को ये संकल्प, ये भी बंधन। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भाव, मतलब संकल्पों का भी बंधन ना। मेरा संकल्प था ये, बचपन में किया था, ऐसे किया। कोई भी संकल्प हमारे लिए बंधन, प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे? जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में धागा जुटा हुआ तो नहीं, मतलब हमारे गंदे संस्कार संकल्प में भी अभी रहे हुए। वो संकल्प बार बार उठते हैं, क्योंकि बहुत पुराने आदते हैं ना, वो संकल्प बार बार उठेंगे, परंतु बाबा कहते सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं, उसको चेक कर। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, जैसा बाबा ने कहा है वैसे ही संकल्प मुझे करने हैं, दूसरा कोई संकल्प। अपनी देह भी याद आई ना, कोई भी देह की आदत, कोई भी देह की बात याद आई कि चाय पीना है या कहीं जाना है, ये खाना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मतलब संस्कार संकल्प में भी आया तो भी वो हिला दिया उसने।
याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, फिर पदार्थ, फिर दुनिया, सब एक के पीछे आते गए। एक संकल्प आपको सब कुछ बिगाड़ दे। एक भी संकल्प याद आया ना, उसके पीछे सारा बाबा भूल जाएगा। बैठे क्लास में होंगे परंतु उस संकल्प के कारण वो सारा का सारा बेड़ा कर। मैं निर्बंधन, इस वरदान को स्मृति में रख, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा। मैं क्या हूं? निर्बंधन। अब निर्बंधन हूं, निर्बंधन हूं लिखने से तो मैं निर्बंधन नहीं हो जाऊंगा। निर्बंधन हूं, निर्बंधन हूं बोलने से भी निर्बंधन मैं नहीं हो जाऊंगा। चेक करना है कि मुझे बार बार कौन सा संकल्प फिर बांधता है, और फिर बैठकर उस संकल्प का पोस्टमार्टम, उस संकल्प को नेस्ता नबूज कर एकदम खत्म करना है, उसका नामो निशान नहीं रखना है, उसको मारकर जलाकर राख को भी दरिया में डाल। तब क्या कर सकेंगे आप? सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन के हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते। देही अभिमानी, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, इस स्थिति में रहने के अभ्यासी बनेंगे, तो ये तन और मन दो चीजें अलग कर ध्यान दे। मन भी आत्मा से क्या कर दिया? क्यों कह रहा है मन को अलग करने के लिए? बाबा मन को अलग करने के लिए क्यों कह रहा है? तो आत्मा से मन को अलग करने के लिए कह रहा है, सोचना तो यही पड़ रहा है, क्वेश्चन तो ये उठ गया ना। देही अभिमानी स्थिति में आकर मन को क्या करना है? तन से अलग करना है। इसका क्या मतलब समझते हो? इस बात को ध्यान से समझना है। क्या समझेंगे इसके अंदर हम? क्या समझेंगे इसके अंदर हम? आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि और संस्कार तो आत्मा के अंदर है, और आउटर लेयर जो मन है वो इस तन से प्रभावित होता है, इस तन के हर मैसेज को रिसीव करके बुद्धि के पास पहुंचाता है। हाँ, ये मैंने चित्र सामने दिखा रहा हूं आपको, इस चित्र के अंदर दिखाया, देखो ये जो हमारे पास आउटर लेयर हम देख रहे हैं, ये आउटर लेयर है मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो बॉल हम देख रहे हैं लाल और नीले रंग की, ये है अंदर। तो जो भी मैसेज हमारे पास ब्रेन में जाता है तो आत्मा वहां बैठकर इसको क्या करती है? किसको देती है ये? किसको देती है ये? बुद्धि। मन जो है, हाँ, आउटर लेयर जो है, क्योंकि आत्मा का स्थान हमारा कहाँ है? यहां जहां हम ब्रेन देख रहे हैं, जहां इस ब्रेन के ऊपर
ये खोपड़ी टिकी हुई है वहां आत्मा का स्थान है। सारे मैसेज इस रीढ़ की हड्डी से ब्रेन में जा रहे हैं और वहां आत्मा की आउटर लेयर उसे रिसीव करती है और अंदर बुद्धि के पास और संस्कार के पास पहुंचाती है। इसलिए बाबा कहता है ये बिचौलिए को भी हटाओ, बिचौलिए को भी हटाओ, क्योंकि योग में दुनिया वाले भी यही कहते क्या करें, सामने वो आ गया था, मैं तो याद कर रहा था, ऐसा वो दृश्य आ गया, ऐसी कोई बात आ गई, कानों से सुनाई दे दी, गीत सुनाई दे दिया, आवाज सुनाई दे गई, मतलब ये कर्म इंद्रियों से ही सुनी ना, इसने जाकर मेरे योग को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इनसे योग डिस्टर्ब होता है, इसलिए क्या कहते हैं, हम जंगल में जाकर बैठते, कमरा बंद करके बैठेंगे, चद्दर पहनकर बैठेंगे, रजाई ओढ़कर बैठेंगे। कई योग करते हैं, देखा है आपने, मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहनों को, वो रजाई ओढ़ करके, सर्दी है ना, रजाई पूरा कवर कर लेंगे अपने आप को और उसमें बैठेंगे ताकि ना कोई दिखाई देगा ना मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा। हाँ मैं नाम नहीं ले रहा था, मतलब समझे मत को, मतलब कहने का है कि हमने देखा है, तो मैं कहने का है कि वो अपने आप को छुपा करके, चाहे वो जंगल में जाकर करें, चाहे वो कमरे में जाकर करें, चाहे कहीं भी एकांत को ढूंढ कर करें, वो एक बाबा रूम अलग से बिठा बनाकर करना, वो भी एक प्रकार का, उसी प्रकार की बात है। बाबा कहते बच्चे इस मन को खत्म, इस मन का कोई भी कहना सुनना ही नहीं, तभी तो तन और मन, क्योंकि तन और मन ये तो दोस्त बने हुए, तन में जो कुछ उठा वो मन के पास आया, मन ने सीधा बुद्धि के पास क्लिक कर दिया, अब बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। आज ये नया पॉइंट है, ये पहली बार मेरे को समझ में आ रहा है, बाबा कह रहा है कि तन और मन इन दोनों को क्या करो, अभी विचार करना पड़ेगा, मैं कोई सोच के तो लग बैठा था, सवेरे तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी ना, ये बात तो आई ही अब है ना। देही अभिमानी सिद्धि द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले, क्योंकि मन तन तन की हलचल होगी वो मन के पास आएगी, मन में हलचल होगी वो बुद्धि को देगा, अब बुद्धि को देगा तो बुद्धि फिर सोचेगी ना, तो इसलिए मन और बुद्धि को एक कानून बनाना होगा, एक नया संस्कार बनाना होगा, मन को ट्रेंड करना होगा कि ये बाबा की श्रीमत है जिसको बाबा ने कहा हुआ है कि मन को चौकीदार बनाओ, और वो चौकीदार क्या करे कि ये बाबा की श्रीमत पर है तो वो बुद्धि के पास पहुंचाना है, और ये बाबा की श्रीमत पर नहीं है तो ये नो एंट्री, थॉट को एंट्री ही नहीं देनी है, क्योंकि थॉट मन का काम है, मन का काम है संकल्प करना, तो मन को ये कानून पास कर दो कि ये बाबा की श्रीमत है, ये विचार आपने बुद्धि के पास आने देने हैं, बाकी को नो एंट्री। ये बाबा का डायरेक्शन है, ये बाबा की मुरली में कहा हुई लाइन है। अब इस लाइन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये अपने आप को बैठकर एक एक संस्कार पास करना होगा, एक एक संस्कार पास करना होगा। जिसमें मुझे याद आ रहा था कि मैं भी उसको टेलीग्राम, एक है ना ऐप, टेलीग्राम ऐप में 8 परमिशंस दी हुई है, वो मुझे आज मिली, तो उन 8 परमिशंस में आप जो जो करने की परमिशन दोगे तो वो दूसरे जो जुड़ेंगे इसके अंदर वो कर सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकेंगे। तो आप जो अलाउड करेंगे कि वो मैसेज डालें तो डाल सकेंगे, नहीं डालें आप बंद कर दोगे तो मैसेज नहीं डाल सकेंगे, मतलब कितनी कितनी परमिशन है, 8 जो है ना ब्रेक्स लगानी है आप लगा सकते, कितनी आप अपने व्यूअर्स को छूट देना चाहते हो दे सकते। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी बाबा की श्रीमत की लिस्ट अपनी बुद्धि में बनाकर मन को दे देनी होगी
कि ये संकल्प अंदर आने चाहिए, बाकी कोई संकल्प अंदर नहीं। अब ये मेहनत हर आत्मा स्वयं करे, क्योंकि ये बात तो बाबा ने पहले से बताई हुई है नहीं? और ये बात आज पहली बार मेरे को इस समय ही समझ में आ रही है कि हमने तन को भी और मन, देही अभिमानी सिद्ध, अपने आप को समझना है मैं आत्मा हूं, परंतु इस आउटर लेयर को भी क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है। ये बात मुझे पहले इतनी समझ में आई थी कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो बुद्धि और संस्कार काम करता है, मन काम नहीं करता, क्योंकि मन को तो काम तभी होगा जब तन होगा। ये मैंने कुछ वीडियोस में कहा कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, मन बुद्धि संस्कार तीनों गायब हो जाते हैं, तीनों चले जाते हैं, परंतु जब वो सूक्ष्म शरीर में होती है तो दो काम करते हैं, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि मन तो काम तब करेगा जब तन चाहिए, जब तक तन नहीं है तब तक मन काम नहीं करता। सूक्ष्म वतन में जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा बुद्धि कर रही होती है, उसे कहीं बाहर से बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस उसके सामने नहीं आती, वहां कंसंट्रेशन एकदम एक जगह पर हो जाती है। हम सूक्ष्म वतन वासी भी यहां से समझ में आता है, हम तभी बन सकेंगे इस तन में मन के साथ, तन को भी हम हटा दें, उसको हम अपने कंट्रोल में कर, अपने मन को ही कंट्रोल में कर दें। हाँ, मन को, मन ने संस्कार भेजने ना अंदर। अब जैसे क्या है कि सामने कोई दिखाई दे रहा है, अब तुरंत तुरंत वो जैसे आए कि भाई ये लड़की है, तुरंत वो उसको क्या है कि नहीं ये आत्मा। जैसे ही ये मैंने ये मैसेज अंदर भेजना ही नहीं है ना, स्त्री है, पुरुष है, दुश्मन है, मित्र है, संबंधी, ये मैसेज मैंने अंदर भेजना ही नहीं है। मैंने क्या भेजना है कि ये आत्मा है, क्योंकि मैं आत्म अभिमानी हूं तो यही मैसेज मुझे चाहिए। और यदि जैसे ही वहां मैसेज रोंग आया, सामने का दृश्य रोंग आया, तो बुद्धि क्या हो जाएगी, हलचल में आ जाएगी, है ना? तो इसलिए बाबा ने पहले, इससे पहले क्या कहा कि एक ही संकल्प क्या करता है, दे के संबंधी वस्तुएं सब उसके पीछे पीछे सारे के सारे आ जाएंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने कानून पास करना है कि अब कौन सा संदेश अंदर आना चाहिए, कौन सा संदेश अंदर नहीं आना चाहिए, ये बैठकर अपने आप को समझाना। शांति। और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है या कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।